हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की शुरू में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने कॉल वेटिंग ऑन कर दिया है, चालू कर दिया है, तब भी अगर कोई कॉल कर रहा है तीसरा, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन नहीं आता है कि तीसरा कोई आपके पास कॉल कर रहा है, आपको पता नहीं चलता है। तो कैसे इसे आप सही कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले क्या करना है आपको, आपके डायलर को ओपन करना है, मोबाइल के डायलर को ओपन करना है जिससे आप फ़ोन लगाते हैं। फिर आपको ऊपर की साइड थ्री डॉट पे क्लिक करना है। फिर आपको सेटिंग्स में जाना है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगी कॉलिंग अकाउंट का, हो सकता है आपके मोबाइल में किसी दूसरे नाम से हो, कॉल वेटिंग नाम से हो, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कैरियर कॉल सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर एडिशनल सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, इस एडिशनल सेटिंग पे क्लिक कर देना है। हो सकता है आपके मोबाइल में ये वाली सेटिंग बाहर हो, तो जहाँ भी हो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोनों सिम मिल जाएंगे, जिस सिम में प्रॉब्लम आ रही है, जिससे आप बात करते हैं और उसी पर कोई कॉल करता है तो पता नहीं चलता है, तो उस सिम पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको वेट करना है, आपको यहाँ से बिल्कुल भी बैक नहीं होना है, कोई भी बटन यहाँ पर प्रेस नहीं करना है। तो यहाँ से हम वेट करते हैं, देखिए कॉल वेटिंग बंद है, यहाँ से इसे चालू कर देना है। अगर ये चालू रहेगा तो फिर आपको क्या करना है, एक बार इसे यहाँ से बंद करना है और फिर दोबारा चालू कर देना है। तो देखिए, मैंने इसे चालू कर दिया, एक बार इसे फिर से बंद करते हैं और फिर से इसे एक बार चालू करते हैं। आपको बीच में किसी बटन को नहीं दबाना है। अब फिर से चालू कर देते हैं गाइस। अब इतना करने के बाद आपको बैक आना है, देखिए अभी इसे होने देना है, जब ये पूरा हो जाए तभी आपको बैक आना है। तो गाइस, अब हम आते हैं बैक। बैक आने के बाद मोबाइल के पावर बटन को दबा के रखना है 4 से 5 सेकंड तक। तो यहाँ पर आपको रीस्टार्ट या रिबूट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है और आपका मोबाइल रीस्टार्ट या रिबूट हो जाएगा। और गाइस, इतना जैसे ही हो जाएगा आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।